काम कर रहा था उस टाइम में एक बॉडी वीआईपी आई है, कपड़ा बिपड़ा खोलने के बाद देखा तो मतलब हमको जब खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है। हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, ये जरा अलग केस दिख रहा है। क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हज़ार बॉडी कर चुका हूँ, तो इस सब से मैं बात करने गया। तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करिए, यार थोड़ा ऐसा इग्नोर किया मेरे। मैं एक दो तीन चैनल को मैंने दो चैनल को मैंने अपना टेस्ट दिया है, और अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 14-15 तारीख को ड्यूटी पे था, मैं काम कर रहा था उस टाइम में एक बॉडी वीआईपी आई है। अभी वीआईपी बॉडी आई है तो पुलिस लोग भी ज्यादा सब लोग आए थे। हम लोग कौन तो भी वीआईपी मतलब कोई तो होएगा ऐसा सोच के हमें हमारा काम चालू करने के बाद उनका नंबर 11-12 बजे आया रात में। उसके बाद हमने वो कपड़ा बिपड़ा खोलने के बाद देखा तो मतलब हमको जब खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है। तो हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हज़ार बॉडी कर चुका हूँ, तो इस सब से मैं बात करने गया। तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करिए, यार थोड़ा ऐसा इग्नोर किया मेरे। लेकिन आपको डाउट क्यों है, क्या कारण था आपको बताइए। हाँ तो मेरे मतलब मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया या देखने के बाद, ये जो गले का मार्किंग जो रहता है हैंगिंग यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है, वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। जैसा ऐसा अलग से ऐसा दबा मतलब ऐसा क्या बोलते हैं आप हिंदी में ऐसा खिंचाओ के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है करता है, ऐसा मार्किंग दो तीन था। और दूसरा मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में हाथ में मतलब बॉडी में मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको को कुछ कैसे मारे वो मैं बता नहीं सकता, वो मार लगेला अलग ढंग के था। हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था।